बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ECA 1, क्योंकि ECA 1 का सारा क्रंच चैप्टर नंबर 7 में है, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे के सारे जो है हमारे थ्योरम्स और लॉज और इसमें सारे के सारे रिव्यू होते हैं, और हम सर्किट की एनालिसिस कैसे करते हैं, इनकी डेप्थ सिंथेसिस जो है ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर है। ठीक है जी। अब हमारे पास बेसिकली सर्किट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आर, एल और सी। ठीक है जी। ये पैसिव एलिमेंट्स हैं, ठीक हो, जिनमें कंट्रोल नहीं होता, से पैसिव कहते हैं। ठीक हो गया। और जो कि रियल रियल सिनारियो के अंदर ये एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, फिर डिसिपेट करते हैं, तो पैसिव भी कहते हैं। एक्टिव एलिमेंट जिसमें कंट्रोल होता है, यहाँ पे उसने इसको डिस्कस किया है एज एन ओपैम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हम लोगों ने यहाँ पे कोर्स में इंक्लूडेड ओपैम नहीं है, होता तो हम इसको कर लेते। तो ओपैम में कंट्रोल होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एक्टिव एलिमेंट। ठीक है जी। अब हमारे पास आर और एल और सी तीन एलिमेंट्स हुए, तो एक को हम कहेंगे आर सी। अगर आर सी के एनालिसिस करें तो एक रेजिस्टर एक कैपेसिटर, उसे कहेंगे आर सी। एक रेजिस्टर एक इंडक्टर आर एल, तो या तो ये होंगे आर सी होगा या ये होगा आर एल होगा, और अगर इनके तीनों का कॉम्बिनेशन हो तो वो होगा आर एल सी, जो कि सर्किट एनालिसिस 2 के अंदर, ECA 2 के अंदर आप स्टार्ट यहीं से लोगे, नॉन लीनियर से लोगे, आर एल सी से लोगे, वो वहां पे आप पढ़ेंगे। यहां पे हमारे पास आर सी और आर एल हैं, दो सर्किट्स हैं। अब ये जो आर सी और आर एल सर्किट्स हैं, इनको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स। क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स। इनको फर्स्ट ऑर्डर सर्किट क्यों कहते हैं कि जब आर सी की एनालिसिस करो और आर एल की एनालिसिस करो तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो फर्स्ट ऑर्डर की बनती है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन dy / dx बनती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये होता d² y/dx², तो ये होता सेकंड ऑर्डर सर्किट्स। तो सेकंड ऑर्डर सर्किट्स आपके पास सर्किट 2 में आएंगे, जहां पे r, l और c होगा, क्योंकि ये c की वजह से dy/dx आता है, dy/dx आता है rc में, और rl में dy/dx l की वजह से आता है। तो एक l की वजह से l में नॉन लीनियरिटी आती है, दूसरा RL में, और दूसरा C की वजह से RC में आती है। तो that's why they are called as the differential circuits, और non-linear circuit भी हैं because of this C and L। ठीक हो गया। तो इसमें Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law, voltage divider, current divider, Thevenin theorem, they are repeated again and again। ठीक है जी। तो Thevenin को बार बार इस्तेमाल करते हैं और पूरी सर्किट की एनालिसिस करते हैं। ठीक हो गया। द फर्स्ट ऑर्डर सर्किट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इनकी बनती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स। अब आरएल और आरसी में दो केसेस हैं, सर तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये चैप्टर नंबर 7 है हमारा। आरएल और आरसी के अंदर कितने केसेस हैं? दो। एक केस ये है सोर्स फ्री केस। सोर्स फ्री केस यानी कि कोई भी आपके पास एक्सटर्नल सोर्स आरएल के क्रॉस नहीं लगी हुई, आरसी के क्रॉस नहीं लगी हुई, तो सोर्स फ्री है, कोई भी एक्सटर्नल एक्साइटेशन नहीं है। तो अब आर सी और आर एल की जो एनालिसिस आप करते हो, दे आर बेस्ड अपॉन देयर इनिशियल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर और इनिशियल एनर्जी, इनिशियल करंट प्रेजेंट इनसाइड द इंडक्टर। तो इनिशियली जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी जो एनालिसिस होती है, दैट इज कॉल्ड सोर्स फ्री आर सी, सोर्स फ्री आर एल। ये चैप्टर 7 का एक हिस्सा है। ठीक हो गया। दूसरा कौन सा हिस्सा है चैप्टर नंबर 7 का? वो है जी सोर्स विथ सोर्स, विथ सोर्स आर सी एनालिसिस। ठीक हो गया। एंड विथ सोर्स आर एल एनालिसिस। ठीक है जी। टोटल कितने केस हुए? 4। दो हो गए सोर्स फ्री, दो हो गए विथ सोर्स, टोटल हो गए, टोटल कितने हो गए? 4। अब हमने इनको स्टेप बाय स्टेप करना है। पहला केस हम डिस्कस करते हैं जी 7.2 के अंदर, जरा तवज्जो के साथ देखें, सोर्स फ्री आर सी सर्किट। ठीक है जी। क्या केस है, अजम्पशंस क्या होती हैं सोर्स फ्री के अंदर, जैसे 7.1 में बना हुआ है, देर इज नो वोल्टेज सोर्स अक्रॉस दिस सर्किट। देखें आप, कोई भी आपके पास सो नजर आ रहा है, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। ठीक हो गया। हम किस अजम्पशन पे सर्किट को बनाते हैं? हम ये अजम्पशन लेके बनाते हैं कि कैपेसिटर हैज सम इनिशियल चार्ज ऑन इट, या कैपेसिटर हैज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। वी अज्यूम दैट देयर इज अ चार्ज प्रेजेंट अक्रॉस द कैपेसिटर। व्हेन देयर इज अ चार्ज प्रेजेंट अक्रॉस द कैपेसिटर, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, देयर इज अ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है जी। ये तो हमें पता है। फिर हम कौन से केस ले रहे हैं? आर सी, तो देयर इज अ रेजिस्टर अक्रॉस इट, सो आर एंड सी आर बोथ इन सीरीज। अगर आप इसको देखें तो बोथ आर इन सीरीज, बट देयर इज अ नोड वोल्टेज वी, अ नोड इज द पॉइंट बिटवीन टू ब्रांचेस, तो सी के क्रॉस बिटवीन टू एलिमेंट्स,
और बिटवीन टू ब्रांचेस, तो सी और आर के क्रॉस दिस इज द नोड, द नोड वोल्टेज इज वी. ये नोड वोल्टेज वही वोल्टेज है जो कैपेसिटर के क्रॉस इनिशियल चार्ज है, दैट इज कनेक्टेड टुगेदर एंड इज अ ग्राउंड फॉर द सेफ्टी. ठीक हो गया. नोड से करंट फ्लो करता है कैपेसिटर के क्रॉस आई सी, और नोड से करंट फ्लो होता है रेजिस्टर के क्रॉस आई आर. ठीक हो गया जी. ठीक है. अब KCL टू द नोड, KCL पे आप नोड लगाए ना, इस नोड पे आप क्या लगाएं, KCL. तो IC प्लस IR क्या हो जाएगा, जीरो. IC प्लस IR इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 7.3 बनती है हमारे पास. KCL सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग द सर्किट, सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग द सर्किट, दैट इज इक्वल टू जीरो, या सम ऑफ एंटरिंग प्लस लीविंग इज इक्वल टू जीरो. यहां पे सारे लीव ही कर रहे हैं, तो आई सम ऑफ द लीविंग द करंट इज इक्वल टू जीरो, एंटरिंग तो है ही नहीं है, दैट इज जीरो. अच्छा, अब हमने क्या अजम्पशन लिया कि चले थे, हमने ये चाहा था कैपेसिटर हैज सर्टन इनिशियल वोल्टेज, द इनिशियल वोल्टेज इज डिनोटेड बाय वी जीरो, दैट इज वी जीरो, जीरो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो. वी जीरो का क्या मतलब होता है, एट सर्टन टाइम टी इज इक्वल जीरो, जब स्विच क्लोज हुआ था, ठीक है जी, जब ये सर्किट बना था एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, उस वक्त हमारे पास कैपेसिटर के पास कितनी वोल्टेज थी, वी नॉट, वी नॉट, ये दैट इज वी नॉट को डिनोट किससे किया है, वी जीरो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है जी, हमने ये अजम्पशन ली है. अब इसी अजम्पशन में हमारे पास ये बात भी मौजूद होगी कि कैपेसिटर हैज सर्टेन इनिशियल वोल्ट एनर्जी एज वेल, जब वोल्टेज है तो चार्ज है, करंट भी है तो एनर्जी भी होगी. तो इनिशियली इनिशियल क्या एनर्जी है कैपेसिटर के क्रॉस, डब्ल्यू जीरो, दैट इज इक्वल टू वन बाई टू सी वी नॉट स्क्वायर. सी वी स्क्वायर होता है ना, तो वी तो यहां पे होगा नहीं, इनिशियल है, इनिशियल एनर्जी है, तो वी नॉट से नोट करेंगे. डब्ल्यू जीरो दैट इज इनिशियल टाइम टी इज इक्वल जीरो, दैट इज इक्वल टू वन बाई टू सी वी नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा. ठीक है, ये तो हमारे पास 7.1 7.2 इन एजम्पशंस पे दो इक्वेशन है, और हम ये लेके चल रहे हैं कि हमारे पास इनिशियल चार्ज है, इनिशियल करंट है, इनिशियल एनर्जी है. 7.3 में सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग द नोड इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल जी. अब इनमें वैल्यूज डालते जाएं, आईसी की वैल्यू क्या होती होती है, सी डी वी बाई डी टी. ठीक है जी. आईआर की क्या वैल्यू होगी, नोड पे वी बाय आर, दैट इज इक्वल टू जीरो. इक्वेशन को रीअरेंज करें, सी से बोथ साइड्स को डिवाइड करें ना, तो क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, और सी आर के साथ क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू जीरो बाय सी, जीरो ही बराबर होता है. तो इक्वेशन 7.4 बी बन जाएगी आपके पास के. अब क्या करना है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, डी वाई बाई डी टी है, डीवाई बाई डी एक्स है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज दी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपके पास. अब इक्वेशन को रीअरेंज करें, डी वी बाई डी टी इस तरफ रहने दें, वी बाई आर सी को उस तरफ ले जाएं, और वी के डी वी बाई के नीचे वी बाई ले आए, इस तरह हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस वन बाई आर सी डी टी, उधर चला जाएगा. अब क्या कर लें, इंटीग्रल ले लें बोथ साइड्स पे, जब इंटीग्रल ले लेंगे बोथ साइड्स पे तो लॉग ऑफ वी बन जाएगा, ये आपके पास आ गया, इज इक्वल टू माइनस वन बाई आर सी, आर सी तो है ही कॉन्स्टेंट, ये बाहर निकल जाएगा, माइनस वन बाई आर सी बाहर निकल गया, तो डी टी के साथ जब इंटीग्रल होगा तो सिर्फ और सिर्फ टी बन जाएगा, ये टी बाहर आ गया. ठीक हो गया, माइनस का प्लस कांस्टेंट हमेशा हम लगाते होते हैं इंटीग्रल के अंदर, याद रखा, या डिफरेंशियल लेते हैं या इंटीग्रल लेते हैं, हम कांस्टेंट्स लगाते होते हैं, ये नॉर्म है उसका, मैथमेटिक्स और कैलकुलस का. प्लस लॉग ऑफ ए, ये ए कांस्टेंट कौन सा है, यहां पर अभी बहस करेंगे, अभी इसके आगे हम चलेंगे तो फिर आपको बताएंगे ये कांस्टेंट कैसे है. अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, लॉग वी प्लस था तो माइनस लेंगे, माइनस लॉग ऑफ ए, तो अरेंज कर लेंगे लॉग वी बाय ए बन जाएगा, ये तो सिंपल है, जब मैथमेटिक्स का रूल है, इज इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी, वैसे का वैसे ही रहेगा. अब आपने क्या किया, ये लॉग ए नीचे है, जब ये उस तरफ जाएगा तो ये एक्सपोनेंशियल चला जाएगा, ये भी हमें पता है कि जब ये लॉग उस तरफ शिफ्ट करेंगे 7.6 में, हम टी बाय आर सी की तरफ शिफ्ट करेंगे जो लॉग एक्सपोनेंशियल की फॉर्म लेगा, ये भी कैलकुलस का रूल है, पहली बात तो ये है. ठीक है जी, लॉग को इधर शिफ्ट करेंगे तो ई ऊपर चला जाएगा, ई टी माइनस आर सी बन जाएगा, ये भी है कैलकुलस का रूल है. और दूसरा क्या रूल है कि जो वन बाई ए पीछे बच जाएगा, लॉग तो चला गया, लॉग तो चला गया, एक्सपोनेंशियल बन गया, ये ए जो बचा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उस तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, वी वैसे का वैसे ही रह गया, लॉग चला गया तो ई चला गया, ए वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी, ये हमारे पास सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ये आपको जब पेंसिल पेन से करेंगे प्रैक्टिस तो खुद बहुत जबानी पता चल जाएगा, हम तो ऑनलाइन में आपको सिर्फ जबानी हिंट देते हैं. वी टी एट टाइम टी दैट इज इक्वल टू ए, ए इज अ कॉन्स्टेंट, ई रेज़ टू माइनस टी बाय आर सी. ठीक है जी, अब ये जो कि फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है और आरसी सर्किट है, हमें पता है कांस्टेंट क्या होगा, यहां पे ए, ए इज द इनिशियल कांस्टेंट वोल्टेज दैट वाज इनिशियली स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर. ठीक है जी, कैपेसिटर ने जो वोल्टेज स्टोर किया वो कांस्टेंट होगी, दैट इज ए इज इक्वल टू वी नॉट.
ये वी उसके बराबर है। किस टाइम पे? टी इज इक्वल टू जीरो पे हमने लिखा वी जीरो, तो क्या होगा? वी टी इज इक्वल टू ए की जगह वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है जी, अब ये याद रखिएगा, ये कौन सी इक्वेशन बनी? 7.7, 7.7 इज द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, ये क्या शो करती है? ये एक्सपोनेंशियल डिके को शो करती है। किसकी डिके को शो करती है? इनिशियल चार्ज कैपेसिटर पे जो था वो कैसे एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, ये इक्वेशन 7.7 उसको रिप्रेजेंट करती है। हमने इसको लेकर आगे अभी चलना है, 7.7 पे एनालिसिस करनी है सारी। ठीक है जी, ये जो एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है नेचुरली, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा हुआ है, तो माइनस शो कर रहा है डीके को, राइज को नहीं, प्लस होता है राइज होता है, यहां पे डीके को शो कर रहा है। ये डीके किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? वी नॉट को, इसका मतलब वी नॉट का डीके हो रहा है। तो ये नेचुरली डीके होगा वोल्टेज का किसके क्रॉस? कैपेसिटर के क्रॉस, तो उसे हम कहेंगे नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट। अब नेचुरल रिस्पॉन्स क्या चीज है, जरा देखिए। नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ सर्किट रेफर्स टू बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और करंट ऑफ द सर्किट इटसेल्फ विद नो एक्सटर्नल सोर्सेज। यहां पे कोई वोल्टेज सोर्स लगी थी आपको, मैंने कहा था नहीं लगी हुई थी, हम तो इनिशियली अजम्पशन लेकर चल रहे हैं। ठीक है जी, ये कौन सा रिस्पॉन्स है इसका? नेचुरल रिस्पॉन्स है सर्किट का, सर्किट्स में भी आपको भी पढ़ाया है और आपने कैलकुलस में भी इसको अंडरस्टैंड किया होगा। दो रिस्पॉन्स होती है, नेचुरल रिस्पॉन्स एंड फोर्स रिस्पॉन्स। यहां पर नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ हम चल रहे हैं, फोर्स आगे आएगा। द नेचुरल रिस्पॉन्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सर्किट अलोन। यहां पर एक्साइटेशन नहीं होती, विद नो एक्साइटेशन इनफैक्ट सर्किट हैज अ रिस्पॉन्स ओनली बिकॉज ऑफ द एनर्जी इनिशियली स्टोर्ड इन द कैपेसिटर या इनिशियली स्टोर्ड इन द इंडक्टर। तो हम नेचुरल रिस्पॉन्स को लेकर चल रहे हैं। ठीक है जी, अब हमने पूरे के पूरे इस बिहेवियर जो पीछे पड़ा है उसकी एनालिसिस इन डेप्थ करेंगे कि ये क्यों आया, किस लिए आया, डिके क्यों जरूरत होता है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, जरा तवज्जो के साथ सुनेंगे। ये जो इक्वेशन 7.7 है, बार बार इसकी बात करेंगे, 7.7 है, इसको हम प्लॉट करते हैं। वोल्टेज को प्लॉट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 7.7 इक्वेशन को प्लॉट किया वोल्टेज वी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो हमने ये देखा कि वी नॉट की जो वोल्टेज है, ये देखें आप, ये वी नॉट की वोल्टेज है, दैट वाज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। इनिशियली चार्ज ऑन द कैपेसिटर नॉर्मली क्या था पहले? जीरो पे आप देखें, टाइम टी पे जीरो, इसकी फुल वैल्यू कितनी थी? वी नॉट थी, मैक्सिमम थी ना। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हुआ एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन के साथ, तो आप ये देखो कि वी नॉट की वैल्यू आहिस्ता 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 डिके कर रही है, एक्सपोनेंशियल डिके करती है करती है करती है करती है, और एक टाइम ऐसा आता है टी पे जहां पर ये वैल्यू बिल्कुल वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। इसका क्या मतलब हुआ दूसरे सेंस में? इसका मतलब यह है कि जो एक्सपोनेंशियल डिके है सारा का सारा, ये लोड रेजिस्टर आर के अक्रॉस सारा का सारा डिके हो गया, एनर्जी सारी की सारी जो है वो डिसिपेट रेजिस्टर के अक्रॉस हो गई, और आपके पास वी नॉट की वैल्यू पहले 100% थी, करते 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 यहां पर जाके ये 0% पे चली गई रेजिस्टर के अक्रॉस। रेजिस्टर लगा हुआ है यहां पर, आरसी सर्किट है। ठीक है, ये तो एक बात समझ में आ गई हमें। दूसरी बात, ये कर्व जो नीचे की तरफ जा रहा है ये एक्सपोनेंशियल डिके को शो कर रहा है, दूसरी बात समझ आ गई। ठीक है जी, और ये जो कर्व है ये कौन सा है? ये वी नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय आरसी। फिलहाल मैं आरसी इस्तेमाल करता हूं, टॉ भी है, बताता हूं टॉ क्या चीज है। ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल डिके। अब ऑथर ने एक टर्म इस्तेमाल की है आरसी सर्किट के अंदर, क्या टर्म इस्तेमाल की है उसने? एक टर्म इस्तेमाल की है, उसे कहते हैं टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, टाइम कांस्टेंट एक टर्म ऑथर ने इस्तेमाल की है आरसी सर्किट की एनालिसिस के लिए, उसे कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है जी, यही टाइम कांस्टेंट हमारे पास डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर से, इसे कहते हैं टॉ, टी ए यू टॉ। सिग्नल एंड सिस्टम्स में आप यही पढ़ोगे, अच्छा फिर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में टॉ, ये बार बार डिलेस के लिए आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ईसीए 1 है, तो हम इसको सर्किट के टाइम कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल करें टॉ, क्योंकि हमने डीके को अंडरस्टैंड करना है और एक्सपोनेंशियल डिके जो वोल्टेज वी नॉट का हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक हो गया, अब ये टाइम कांस्टेंट क्या भला है आरसी सर्किट का? टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू डिके टू अ फैक्टर 1/e और 1/e। 1/e के क्या मतलब है? आप कैलकुलेटर में 1/1e लिखो साइंटिफिक कैलकुलेटर में, तो खुद बखुद उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0368 गालिबन, इस तरह को वैल्यू आ जाएगी। उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, परसेंटेज में ले जाओ तो 36.8% आ जाएगी, 36.8% आ जाएगी। क्या मतलब हुआ कि 36.8% एक खास वैल्यू है। ठीक है जी, या 37% भी आप कह सकते हैं, एक खास वैल्यू है
जो किसके बराबर होती है, 1 बाई ई के बराबर होती है, 1 बाय ई के बराबर होती है। और ये 1 बाय ई, ये 1 बाय ई कब आता है, 1 बाय ई कब आता है, ये 1 बाय ई तब आता है जब टॉ की वैल्यू, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बराबर हो आर ऑफ द सर्किट एंड सी ऑफ द सर्किट। तो आर इंटू सी, आर मल्टीप्लाइड बाय सी इज आर सी। सो आर सी इज कॉल्ड एज द टाइम कांस्टेंट ऑफ विच सर्किट, सिंस द सर्किट इज आर सी ओनली, द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट इज आर सी। इफ देयर इज नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन द सर्किट, तो सबका आर इक्विवेलेंट लेंगे, तो आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय सी इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। अच्छा क्वेश्चन, क्यों निकाला है भाई? इसलिए निकाला है कि हम वी नॉट का इनिशियल डिके एनालाइज करना चाहते हैं कि कितने रेट पे होता है उसका डिके, इसलिए हमने टाइम कांस्टेंट आरसी निकाला है। अच्छा ठीक हो गया, ये बात आपको समझ आ गई। अब 7.7 पे फिर जाते हैं पीछे, 7.7 पे हमने टी बाय आरसी निकाला है, तो हम अगर टी के वैल्यू, टी की जगह हम टॉप पुट करें, या सॉरी आरसी की जगह टॉप पुट करें, हमने टॉप कितना निकाला, टॉप कितना हमने यहां पे उसको कहा है किसके बराबर होगा आरसी का, हमेशा ये जमाने की बात है, इसको समझ लें कि आरसी सर्किट चाहे बहुत सारे आर हो और एक सी हो, या बहुत सारे आर हो या सी भी हो, तो हम एक आर ले लेंगे इक्विवेलेंट निकाल के, उसका साथ सी आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर सी, तो अगर सी हो तो साथ सी इक्विवेलेंट लेंगे, तो आर सी जो भी आएगा फाइनल वो आर सी सर्किट का टाइम कांस्टेंट हमेशा होगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करें, 7.7 में क्या पुट करें, टी इज इक्वल टू टॉ, टी को जगह मैंने टॉ पुट कर लिया, तो क्या आया, वी इज वी नॉट ई रेज पर माइनस टॉ बाय आर सी, तो टॉ की वैल्यू क्या, क्या खुद बताएंगे हम, आर सी है, तो आर सी पुट करेंगे, तो आर सी कैंसिल हो जाएंगे, एक रह जाएगा ई रेज पर माइनस वन, ये ई रेज पर माइनस वन का मतलब है 1 बाई ई, ये देख लें 1 बाई ई क्या मतलब है 1 बाई ई, और 1 बाई ई कैलकुलेटर में पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 37 होती है, सॉरी 0.368, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 36.8 या 37% वी नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन से ये नजर आता है कि 7.9 में जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये होगी, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टॉ, टॉ किसके बराबर था, आरसी था, तो आरसी ऑलरेडी हमने निकाला हुआ था ये नीचे, तो हम इसकी जगह टॉप आउट कर लेंगे, तो इस तरह लिखें तो भी आंसर ठीक है, और वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आरसी लिखें तो भी ठीक है, 7.7 भी ठीक है, 7.9 भी ठीक है, लेकिन 7.9 और 7.7 को रिमेंबर करने के लिए इसलिए जरूरत है कि 7.9 में आपने टॉ लाजमी निकालना होगा सर्किट्स में, तब जाके आपको डीए का पता चलेगा, ठीक हो गया। माइनस टी बाय आरसी निकल जाएगा आपका, सॉरी माइनस टी बाय टॉ निकल जाएगा, ठीक हो जाए, ये बात आप समझ गए। अब हमने ये देखना है कि टॉ, एक टॉ अगर होता है सर्किट में 1 आरसी, अगर मिसाल के तौर पे, तो सर्किट के अंदर कितना डिके आता है इनिशियल वोल्टेज में कैपेसिटर की, नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू क्वेश्चन, अगर सर्किट में आर की वैल्यू डबल कर दें, 2 आरसी बना दें, तो टॉ क्या हो जाएगा, 2 टॉ हो जाएगा, फिर कितना डीके आएगा। अगर आर की वैल्यू 3 हो जाए, या आर 3 हो जाए सर्किट में, 3 टाइम्स हो जाए, आर की वैल्यू 3 टाइम्स हो जाए, तो 3 आरसी हो जाएगा, तो 3 टॉ हो जाएगा, 4 हो जाएंगे तो 4 टॉ हो जाएगा, 5 हो जाएंगे तो 5 टॉ, ठीक है जी। ये भी याद रखें, नॉर्मली हमारे पास 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स पे कंप्लीटली वोल्टेज इनिशियली जो स्टोर्ड होती है वो जीरो पे चली जाती है, हमारे पास जो वोल्टेज होती है वो 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स लेती है, यानी कि 1 टॉ, 2 टॉ, 3 टॉ, 4 टॉ, 5 टॉ, 5 टॉ पे जो है वो वोल्टेज जीरो हो जाती है। अब इसको हम 7.2 में देख रहे हैं, हमारे पास कितनी वोल्टेज थी वी नॉट पे इनिशियली टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, देखें 100% थी वी नॉट की वैल्यू, 100% थी, फिर ये डिके की इसने आपने देखा एक्सपोनेंशियल डिके था, तो यहां पर जब ये पहुंची, यहां पर पहुंची, तो ये कहां पर जो पहुंची, तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है टाइम की, ये वो वैल्यू थी टी इज इक्वल टू टॉ पे, टॉ इज इक्वल टू आर सी पे, जब सर्किट में सर्किट में जो पैरामीटर्स थे एक आर था और एक सी था टोटल, तो वो टॉ के बराबर था, उस पे हम देखें कि हमारी वोल्टेज ने कितना डिके किया है, तो अब ये देखें 100 था, तो यहां पे जब नीचे गई तो 36.8% वी नॉट बच गई, जब बच गई तो जाया कितनी हुई, इस्तेमाल कितनी हुई, डिसिपेट कितनी हुई, वो हुई 62% गालिबन 60, 36.8 है ना,
तो 36.8 पे हो जाएगी, तो हमारे पास 30 को निकालें तो 70 हो गया, और 36 को 64.2% सारी की सारी एनर्जी डिसिपेट हो गई। ये देख लें आप, वी नॉट से यहां तक नीचे की तरफ गया तो 64.2% एनर्जी सारी की सारी डिसिपेट हो गई। किस पे? एक टॉप पे, एक टॉप पे डिसिपेट हो गई। तो पीछे कितनी बची? ये देख लें, 36.8% बची है। अब 36.8% आगे जाएगी तो टू टॉप पे और होगी, फिर थ्री टॉप पे और होगी, फोर टॉप पे होगी, फाइव टॉप पे एक पॉइंट आएगा टी पे, यहां पे कंप्लीटली वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बस ये बात एक समझने की हमने कर ली। अब हम यहां पे खुद लेते हैं कि कितनी परसेंट डिसिपेट होगी। इसको प्लॉट किया है, सेवन पॉइंट इक्वेशन 7.9 को प्लॉट किया है, VT को डिवाइड कर लें V नॉट से, V नॉट को नीचे ले आए तो VT बाय V नॉट हो जाएगा। पीछे क्या बचा? E रेस्ट पर माइनस T बाय टॉ। यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, टॉ की एक वैल्यू पुट करेंगे तो T इज इक्वल टू टॉ पुट करेंगे तो E रेस्ट पर माइनस वन बनेगा। जब E रेस्ट पर माइनस वन बनेगा तो 0.36788 आ जाएगा, 36.7%। फिर टू टॉ पुट करेंगे, देख ले यहां पे T इज इक्वल टू टू टॉ पुट करेंगे तो आपके पास 0.13 का डीके आएगा। थ्री टॉप पुट करेंगे 0.049 का डीके आएगा। फोर टॉप, फाइव टॉप जीरो पे तकरीबन चली जाएगी। तो हमारे पास फाइव टॉप है यहां पे, कंप्लीटली वोल्टेज इनिशियली जो स्टोर थी वो जीरो पे चली जाएगी। अब यहां पर एक बात तो ये समझा दी, दूसरी बात समझाने की है वो क्या है? वो ये है कि द लार्जर द टाइम कॉन्स्टेंट, सॉरी द स्मॉलर द टाइम कॉन्स्टेंट, टाइम कॉन्स्टेंट जितना कम होगा, जितना वन टॉ है, मोर रैपिडली द वोल्टेज डिक्रीजेस। अब वन टॉ इज स्मॉलर एज कंपेयर टू टू टॉ, एज कंपेयर टू थ्री टॉ, एज कंपेयर टू फोर टॉ, एज कंपेयर टू फाइव टॉ। टॉ की वैल्यू एक है, आरसी टू आरसी बड़ा है, थ्री आरसी बड़ा है, फोर आरसी बड़ा है, फाइव आरसी बड़ा है। तो टॉ जितना छोटा होगा, जैसे टी इज इक्वल टू टॉ है, टॉ की एक सिंगल वैल्यू, मोर रैपिडली द वोल्टेज डिक्रीजेस। 100 पे थी ना, तो कितने पे डिक्रीज हुई है? 64.2 पे गई है। इतनी जल्दी मैक्सिमम वोल्टेज सारी की सारी एक टॉ पे खत्म हो गई। अच्छा, अब टू टॉ जब आया, जब टू टॉ आएगा यहां पे टू टॉ आएगा तो 64 से के जो खत्म हो गई, पीछे कितनी बची? 36.8। अब 36.8 जो बची है उसमें से और एनर्जी कितनी खत्म हो जाएगी? 13.5%। थ्री टॉ पे 4.9% और खत्म हुई, फिर 1.8 और 5 टॉप पे तकरीबन जीरो पे चली जाएगी। तो इसका मतलब है टॉ की वैल्यू जितनी कम होगी उतना वोल्टेज जल्दी डिके करती है। ये हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब रेजिस्टर करंट भी निकालो भाई, आई आर टी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टर, रेजिस्टेंस आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो वी टी की वैल्यू क्या थी? वी नॉट इज इक्वल टू टी बाय टॉ, हमारे पास 7.9 की क्वेश्चन थी, डिवाइडेड बाय उसको आर कर लेंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये जो बात मैंने आपको बताई थी कि देखो 100% वन ले लें या 100% से एनालाइज करें, बात एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 100% में से मैं बात स्टार्ट करता हूं, 100% वी नॉट की वैल्यू थी, आहिस्ता 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 वन टॉप पे कितनी रह गई ये देख लें, 37%। फिर टू टॉप पे जब गया तो पीछे ये देखें, ये 13.5%, कितनी थोड़ी रह गई। इसका मतलब एक टॉप है सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेट हुई है, जितना टाइम कॉन्स्टेंट कम होगा उतनी डिसिपेशन जो है वो ज्यादा होगी उसकी, ठीक है जी। इसलिए टाइम कांस्टेंट सर्किट को एडजस्ट करते हैं ताकि इस कैपेसिटर कितनी जल्दी कितने टाइम में रेजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेट हो, और रेजिस्टर की वैल्यू भी क्या रखी जाती है। इस वजह से टाइम कांस्टेंट की यहां पे अहमियत है। टू टॉ, थ्री टॉ, फोर टॉ, फाइव टॉ पे बिल्कुल एनर्जी जीरो हो गई, ठीक हो गया। रेजिस्टर की वैल्यू यहां से ले सकते हैं। इसको, इस पूरे फिनोमिना को कहता है 7.3 को जो मैंने समझाया यहां पे, इसको आप दूसरे एंगल से भी समझ सकते हो। वो कैसे? कि अगर आप 7.7 का डेरिवेटिव ले लो, डी बाई डी टी वी बाई वी नॉट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस वन बाई टॉ ई रेस माइनस टी बाई टॉ टाइम टी इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस वन बाई टॉ, ये जो मैंने ऊपर समझाया ये ऐसे भी आ सकता है। आप इस तरह इसको अंडरस्टैंड कर लें, एक तरीका तो ये। अब 7.3 का जो कर्व बताया है उसी को आगे लेकर चलते हैं डिके के लिहाज से, 7.4 में जाते हैं। 7.4 में हम ये देखते हैं कि हमारे पास तीन कर्व बने हुए हैं, एक में टाइम कांस्टेंट फिक्स रखा हुआ है 0.5 छोटा रखा हुआ है, एक में 1 रखा हुआ है बढ़ा दिया है, एक में रखा हुआ है 2 और बढ़ा दिया है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये था कि 0.5 में जब टाइम कांस्टेंट 0.5 रखा तो आप ये देखो कि एट टाइम टी इज इक्वल टू 1, एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड टाइम की यूनिट सेकंड है ना, तो 1 सेकंड पे देखो
कितना डिसिपेट कर चुका है, हमारे पास पीछे गालिबन 10% एनर्जी बची है, 100 में से 10% एनर्जी बच गई, 0.5 कितना छोटा था ना टॉ, उससे कितनी जल्दी डिसिपेशन होगी 1 सेकंड में। अब इसी 1 सेकंड को टॉ इज इक्वल टू 1 पे देखो तो हमारे पास 60% एनर्जी बची है। अच्छा, टॉ इज इक्वल टू 2 पे देखो तो 30% एनर्जी डिसिपेट हुई है। इसका मतलब है जितना टाइम कॉन्स्टेंट कम होगा, जिसे 0.5 का था, एनर्जी जल्दी डिसिपेट होगी। चलो जी, अब इक्वेशन से पावर इक्वेशन, पी इज इक्वल टू वी आई, वी पी इज इक्वल टू वी आई, वी इंटू आई, आई इज द करंट फ्लो थ्रू रेजिस्टर, सीरीज सर्किट है, तो क्या हो जाएगा, पुट करके सॉल्व करेंगे तो वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई रेज टू पावर -2t बाय टॉ। सुबानी आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, और अगर नहीं भी पता उस वक्त आपको तो पैसे की इक्वेशन 7.7 7.9 पता होनी चाहिए, तो आप पावर की इक्वेशन लगा के आप निकाल सकते हैं खुद भी। एनर्जी डिसिपेट अक्रॉस अ रेजिस्टर, रेजिस्टर है तो इसकी एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर है, इट इज नॉट द एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस द कैपेसिटर, इट इज नॉट एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस द इंडक्टर, इट्स एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टर। डब्ल्यू आर टी इज इक्वल टू 0 टू टी, इंटीग्रल ले लेंगे पी डॉट डी टी, पुट कर लेंगे जो ऊपर की वैल्यू आई है इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी 1/2 सी वी नॉट स्क्वायर 1 माइनस ई रेस्ट पर -2t बाई टॉ, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, टॉ इज इक्वल टू आर सी 7.12 बन जाएगी। ठीक है जी, ये किस पे इक्वेशन आई है, डब्ल्यू आर टी एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस अ रेजिस्टर एट अ सर्टेन टाइम टी। अगर यहां पे टी को इन्फिनिटी कर लो, फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम, टी को इन्फिनिटी पुट करो भाई, 7.12 में टी को इन्फिनिटी पुट करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी 1/2 सी वी नॉट स्क्वायर 1/2 सी वी नॉट स्क्वायर डब्ल्यू आर इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, ये वही एनर्जी है जो कैपेसिटर ने इनिशियली स्टोर की थी सी ने, और यही वही एनर्जी है जो सारी की सारी रेजिस्टर के क्रॉस डिसिपेट हो गई। बस जब नहीं हुई थी तो मॉडल कौन सा था, 7.12, जब हो गई इतने लंबे अरसे के लिए तो 1/2 सी वी नॉट स्क्वायर वही वोल्टेज आ गई। आपने प्रूफ भी इसका देख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये हमारे एक दो एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे जो है वो सारी की सारी सर्किट की एनालिसिस होती है। ठीक है जी, वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं जरा आपने गौर से सुनना है, फिर प्रैक्टिस करेंगे, वरना ये जबानी कलामी जो है वो इस तरह आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। वो क्या है, टाइम के तीन कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है जी, एक होता है टाइम टी लेस देन जीरो, ठीक है जी, एक होता है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी, और एक होता है टी ग्रेटर देन जीरो। अब ये तीन टाइम है, ये तीन टाइम का मतलब क्या है, इनका ताल्लुक स्विच के साथ है, स्विच जो सर्किट में लगा होता है, स्विच क्लोज हुआ, ठीक है जी, स्विच क्लोज था या स्विच अभी क्लोज हुआ, तो जब इंस्टेंट की बारी आती है जस्ट क्लोज्ड, याद रखिएगा क्या होता है जस्ट क्लोज्ड, तो टी इज इक्वल टू जीरो लेंगे, अभी हुआ है टी इज इक्वल जस्ट हुआ है, अभी इसी इंस्टेंट पे हुआ है टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। टी लेस देन जीरो पहले था, टी लेस देन जीरो पहले था, क्लोज था स्विच या स्विच ओपन था, तो सर्किट का बिहेवियर टी लेस देन जीरो पे क्या मतलब हुआ, यानी कि टी लेस देन जीरो पे अगर स्विच ओपन था तो ओपन ही रहा, पहले से स्विच क्लोज था टी लेस देन जीरो, जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएगा हम पढ़ेंगे, हम उस लिहाज से सर्किट को लेके चलेंगे, टी लेस देन जीरो पे अगर क्लोज था तो क्लोज ही रहा, टी लेस देन जीरो पे ओपन था ओपन ही रहा, ठीक है जी, लेस देन जीरो का मतलब पहले पहले आएगा, टी इज इक्वल टी जीरो जस्ट क्लोज, टी इज इक्वल जीरो पे एट द इंस्टेंट वर्क की बात कर रहा है, टी इज इक्वल टू जीरो पे जस्ट क्लोज या जस्ट ओपन, ठीक है जी, जस्ट की बात आ गई एकदम, अगर पहले क्लोज था तो एकदम ओपन हो गया, अगर पहले ओपन था तो जस्ट पे एकदम क्लोज हो गया, तो वो आपको ऑथर बता देगा टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या बिहेवियर है। अच्छा जी, ये तो वो दो हो गए, तीसरा बिहेवियर क्या है टी का जो स्विच के साथ ताल्लुक रखता है, टी ग्रेटर देन जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये हुआ कि स्विच क्लोज हुआ टी इज इक्वल टू जीरो पे और टी ग्रेटर देन जीरो पे क्लोज ही रहा, एक बात या दोनों हो सकते हैं ना, स्विच ओपन हुआ टी इज इक्वल टू जीरो पे, ओपन हुआ टी इज इक्वल टू जीरो पे और टी ग्रेटर देन जीरो पे ओपन ही रहा, ठीक हो गया, मतलब क्या हुआ, अगर ओपन था
तो ओपन ही हमेशा के लिए रहेगा टी ग्रेटर देन जीरो पे, और अगर क्लोज था स्विच टी इज इक्वल टू जीरो पे हुआ तो क्लोज ही रहेगा फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। टी ग्रेटर देन जीरो का मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है तो लॉन्ग लॉन्ग टाइम टी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक हो गया। टी इज इक्वल टू जीरो पे जस्ट का बिहेवियर है, उस वक्त स्विच क्लोज हुआ है। टी लेस देन जीरो पे पहले, टी लेस देन जीरो पे ये है कि पहले बिहेवियर निकालो सर्किट का। टी लेस देन जीरो पे क्लोज था तो क्लोज रहेगा, ओपन था तो ओपन रहेगा, उस पे क्या हुआ। टी इज इक्वल टू जीरो पे बिहेवियर निकालो सर्किट का, अभी क्लोज किया या अभी ओपन किया, दो। तीसरा टी ग्रेटर देन जीरो क्लोज करने के बाद, टी इज इक्वल टू जीरो पे या ओपन करने के बाद, अब लंबे अरसे के लिए टी ग्रेटर देन जीरो क्या बिहेवियर हुआ, क्या मतलब हुआ। उर्दू में अब इसको समराइज करें तो क्या होगा, पहले क्या था टी लेस देन जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो जस्ट, अब क्या है, अब क्या है टी ग्रेटर देन जीरो बाद में क्या हुआ, टी ग्रेटर देन जीरो बाद में क्या हुआ। तो ये तीन टाइम के बिहेवियर हैं, हम इन तीनों टाइम के बिहेवियर को लेकर चलेंगे तो तब हमें ये एनालिसिस समझ में आएगी, अदरवाइज सर्किट सॉल्व नहीं होगा और क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, दैट इज मेक डिफिकल्टी इन द फाइनल एग्जाम, ठीक हो गया जी। एग्जाम्पल 7.1 में कहता है कि फाइंड द वी सी जीरो, हमने पढ़ा है कि जीरो का क्या मतलब होता है, हमने पढ़ा है कि यहां भी जब भी जीरो लिखा हो तो उसका मतलब होता है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो पे इनिशियल एनर्जी का मतलब होता है जो भी ऊपर हमने पढ़ी है कैपेसिटर की एनर्जी इनिशियली, कहता है लेट अज्यूम करो मेरे पास कितनी है 15 वोल्ट है, ये दी हुई है उसने। फाइंड वी सी, यहां पर सी के साथ कुछ भी नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है, हम टाइम वेरियंग सर्किट्स पढ़ रहे हैं, ये अंडरस्टूड है, ये वी सी टी मतलब है इसका, ना दियो तब भी, दियो तब भी, वी सी टी मतलब है, इससे सिंपल वी सी लिखा हुआ कैपेसिटर वोल्टेज निकालो। वी एक्स दियो, वी एक्स ना दियो, टी ना दियो, वी एक्स टी, टाइम वेरियंग सर्किट्स हैं तो जो भी वोल्टेज होगी टाइम वेरियंग निकलेगी। एंड आई एक्स टी या आई एक्स हमें निकालो फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, क्या मतलब है बाद, क्या मतलब है बाद, कब के लिए, लंबे अरसे के लिए। अब टी का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया उसने ना, तो देखेंगे सर्किट का क्या भी है, स्विच का क्या बिहेवियर है, तो इस सर्किट में उसने कोई भी स्विच नहीं दिया हुआ, तो मजे हो गए, सर्किट में स्विच ही नहीं है। अब टी ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि जो भी सर्किट बनाए मेरे पास इसी पे एनालिसिस करके मुझे सब कुछ निकाल के दो, क्योंकि अब तो सब स्विच नहीं है, इसने ना स्विच दिया ही नहीं है, स्विच देता तो हम देखते कि टी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या था, यहां पे स्विच नहीं दिया हुआ तो इसमें मतलब यह है कि टी ग्रेटर देन जीरो पे यही सर्किट बना हुआ है मेरे पास, जो भी स्विच था हमें से सरोकार नहीं है, इसी सर्किट को देखते हुए मुझे सब कुछ निकाल के दो। अब इस सर्किट को गौर से देखते हैं, इस सर्किट में 0.1 फैराड का कैपेसिटर है, उसके क्रॉस वोल्टेज है वी सी टी, टोटल वोल्टेज है कैपेसिटर की, ये निकालनी है वी सी टी, और वी सी जीरो इनिशियली कैपेसिटर की वोल्टेज 15 वोल्ट हमें ऑलरेडी दी हुई है बंदे ने, ठीक हो गया। आगे देखते हैं, 8 ओम का रेजिस्टर है और 12 ओम के साथ सीरीज में है, ठीक है, और 12 ओम के क्रॉस जो है वो उसने इशारा दिया हुआ है वी एक्स टी का या वी एक्स का, वो इशारा उसने खुद दिया हुआ है कि ये वोल्टेज 12 ओम के क्रॉस है, और करंट क्या फ्लो हो रहा है उससे, वो फ्लो हो रहा है आई एक्स, क्या फ्लो हो रहा है आई एक्स, ये भी उसने खुद दिया हुआ है, इसको छेड़ नहीं सकते, आई एक्स फ्लो कर रहा है 12 से और 12 के क्रॉस जो वोल्टेज हो रही है वी एक्स हो रही है, ठीक है जी। और हमें टोटल वोल्टेज निकालनी है आर सी की, और मैंने अभी बताया था ऊपर अगर सर्किट में बहुत सारे रजिस्टर हो 8, 12, 5 तो हम और एक सी ओ, तो हम आर इक्वलेंट लाजमी लेंगे क्योंकि आर सी सर्किट को बनाना है, आर सी और आर इक्वलेंट सी बनेगा तो टाइम कांस्टेंट निकलेगा, टाइम कांस्टेंट निकलेगा तो एक्सपोनेंशियल डिके निकलेगा, एक्सपोनेंशियल डिके निकलेगा तो तब हम वी सी टी या टोटल वोल्टेज निकाल सकते हैं, अदरवाइज वी कांट प्रोसीड फर्दर। आर इक्वलेंट कैसे निकलेगा, थेवेनिन, थेवेनिन बार बार थेवेनिन की बात आएगी, थेवेनिन की बात आएगी, थेवेनिन निकालना है आपने, ओपन करेंगे टर्मिनल्स को लुकिंग बैक फ्रॉम दिस साइड निकाल लेंगे। अच्छा, अगर मैं वी सी, ये कैपेसिटर की वोल्टेज है ना, ठीक हो गया, मैं अगर सी को मैं इधर ले आऊं इस तरफ, ये देखें कर्सर माउस को मेरा उस तरफ जा रहा है 5 के, और 5 वाले को मैं इधर ले आऊं तो फर्क तो नहीं पड़ता, पैरेलल सर्किट है, वोल्टेज तो सेम ही होती है, तो मैं इसको इधर ले आऊं और मैं उसको उधर ले आऊं 5 को, बात एक ही है, ठीक है जी। अब मैंने देखा 8 और 12 आपस में क्या होंगे, सीरीज में है, 8 प्लस 12 कितना होता है 20, यहां पे 20 आ गया, और 20
और ये जो 5 ओम का रजिस्टर मैं इधर लाया है और कैपेसिटर को उधर ले जाऊंगा, तो 5 ओम का रजिस्टर पैरेलल में आ गया, तो ये देख लें 1220 × 5 / 20 + 5 4 ओम इक्विवेलेंट आ गया। 4 आगे इक्विवेलेंट सी आपके पास दिया हुआ है, टॉ निकाल लो, आर इक्विवेलेंट सी ये आपने निकाल लिया 0.4 सेकंड, सेकंड्स में आ गया, ये आर इक्विवेलेंट बन गया सी। तो इससे मजा, इससे फायदा क्या था, लालच क्या थी पूरे सर्किट को इस तरह बनाने की, लालच थी कि आपके पास सोर्स फ्री आरसी की शक्ल बन जाए जिससे आपने टॉ निकाला। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या होती है, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज टू पर माइनस टी बाई टॉ। तो वी नॉट क्या होती है, वी सी टी इनिशियली, जो वी सी जीरो इनिशियली क्या, जो 15 ही है, 15 पुट कर लेंगे, ई रेज टू पर माइनस टी, टॉ कितना है 0.4, 0.4 पुट करके आंसर निकाल लिया, जो जो 0.4 को ऊपर लेके जाएंगे टी से नीचे 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 है 1/4, ऊपर चला जाएगा तो -2.5 टी, ये भी ठीक है आंसर, और -t/0.4 ये भी आंसर ठीक है, ये टोटल वोल्टेज निकल गई। अब मजीद क्या पूछ रहा है हमसे, कहता है वी एक्स निकालो, वोल्टेज अक्रॉस दी 12, वोल्टेज अक्रॉस दी 12 ओम निकालो। ठीक है जी, हम वोल्टेज वोल्ट निकालेंगे किसके क्रॉस, 12 ओम रेजिस्टर के क्रॉस। तो हमारे पास दो रेजिस्टर आपस में क्या है, सीरीज में है, पीछे देखो वोल्टेज के क्रॉस दोनों रेजिस्टर सीरीज में है, तो देखो पीछे कोई सोर्स है कि नहीं है, अगर देखिए गौर से तो पीछे कैपेसिटर था और कैपेसिटर की अभी हमने टोटल वोल्टेज निकाल ली है, जो इनपुट है वीसीटी या वीटी वो निकाल ली है हमने, ये देख लें वीसी इक्वल टू वी दैट इज इक्वल टू 15 ई रेस्ट पर माइनस 2.5 टी। तो इसका मतलब है सोर्स भी मौजूद है, दो रेजिस्टर सीरीज में है, एक के क्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लग जाएगा। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, जिसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए ऊपर रेजिस्टर वो लिखो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ दो रेजिस्टर्स इनटू इनपुट वोल्टेज वी, जो अभी आपने निकाली है वो कर लो, आपके पास वी एक्स आ जाएगा। जब वी एक्स आएगा तो आई एक्स इक्वल टू वी बाय आर, वो भी कर लोगे आंसर आपके पास आ जाएगा। इसी को देखते हुए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.1 खुद कर लेंगे, आंसर आपके मैच करने चाहिए। यहां पर सिर्फ एक नई चीज आपको नजर आएगी, ड्रामा लगाया हुआ उसने, कौन सा टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्या मतलब हुआ, मतलब यह है कि टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या और टी ग्रेटर देन जीरो पे क्या, दो बता दी बातें, टी इज इक्वल टू जीरो और टी ग्रेटर देन जीरो, लेकिन इस पूरे पूरे सर्किट में उसने स्विच नहीं दिया हुआ, इसका मतलब यह है कि जो ये जो बिहेवियर है ये फाइनल यही है स्विचेस के उस तरफ, स्विचेस के साथ सरकार अभी नहीं है, तो इसी तरह ऊपर जिस तरह एनालाइज किया नीचे भी एनालाइज कर लेंगे। आगे है एग्जाम्पल 7.2, इसमें स्विच के बना हुआ है, इस एग्जाम्पल को जरा सामने डिटेल में कर लेंगे तो हमें ये सारा का सारा आर्टिकल क्लियर हो जाएगा, और आरएल भी ऐसे ही चलेगा सोर्स फ्री। तो जब स्विचेस के वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो विद एक्साइटेशन आएंगे, वो जरा लेंथी एनालिसिस है, वो इंशाल्लाह हम अपने लास्ट टू लेक्चर्स में उनको कवर करेंगे। अभी हमारे पास 7.2 चल रहा है एग्जाम्पल। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, द स्विच इन द सर्किट हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है जी, अब मैं जब ये उसने बात की ना तो मैं सर्किट में की तरफ देखने लग गया, सर्किट में स्विच है, अच्छा स्विच के जो इशारा बन रहा है आप देख रहे हैं एरो बाहर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है ये ओपन की तरफ जा रहा है, स्विच ओपन हुआ, स्विच ओपन हुआ, स्विच को बाहर की तरफ, ये जो आपके पास थ्रो है सिंगल थ्रो, ये जो एरो बना हुआ है कर्सर मेरा जो जा रहा आप देख रहे हैं इसको, ये सिंगल थ्रो है, पहले क्लोज था, has been closed for a long time and it is opened at t is equal to 0, पहले क्लोज था t less than 0 पे, पहले क्लोज था t less than 0 पे, याद रखिएगा उसने तो नहीं दिया हुआ है, हमें पता है कि पहले क्या था, क्लोज था, क्योंकि t is equal to 0 पे ओपन हो रहा है, जब t is equal to 0 पे ओपन हो रहा है तो पहले क्या था, पहले क्लोज था, तो इसका मतलब है t less than 0 पे लिख लेंगे closed, t less than 0 पे क्या लिख लेंगे closed, t is equal to 0 पे लिख लेंगे just opened। ठीक हो गया, दो बातें हो गई। तीसरी बात होती है टी ग्रेटर देन जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि ओपन हुआ तो ओपन ही रहा, ओपन ही रहा बाद, जिसको बाद कहेंगे, ओपन ही रहा फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, स्विच वॉज ओपन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक समझ ली, और मैंने सबसे पहले अपनी नोट कर ली कि स्विच वॉज क्लोज्ड फर्स्ट, फर्स्ट क्या था, स्विच वॉज क्लोज्ड, क्लोज था तो टी लेस देन जीरो क्लोज था, सेकेंड क्या बनेगा, क्लोज था क्लोज रहा लॉन्ग टाइम के लिए, फिर क्या हुआ इसको हम
देखेंगे। सेकंड 3 दफा 4 दफा बार बार बनेगा, यहां पे एनालिसिस बार बार होगी, तब जाके क्वेश्चन क्लियर होगा, समझ आएगा होगा, वरना गलती पड़ेगी। कहता है टी इज इक्वल जीरो पे ओपन हुआ, फिर उसके बाद टी ग्रेटर देन जीरो पे ओपन ही रहेगा लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए। फाइंड टोटल वोल्टेज फॉर टी ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ उसने, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पे भी निकालो और टी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो पे भी निकालो। ठीक हो गया, कैलकुलेट द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर की इनिशियली एनर्जी, ये जो 20 मिली फेरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है ना, इसकी इनिशियल एनर्जी निकालो। यानी कि इसने कहा है कि मुझे इनिशियल एनर्जी नहीं पता, पहले उसने ऊपर एग्जाम्पल में दी हुई थी, इसमें नहीं दी हुई, ठीक है जी। तो इसका मतलब है हमने ये वी निकालना है, ये वी निकलेगी, ठीक है, इसके साथ वी नॉट आएगा, ठीक है जी, तो हमें पता चल जाएगा। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि हम देखेंगे कि कौन सा एनालिसिस करें जिससे हमारे पास ये इसकी कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी हमारे पास निकल जाए। एनर्जी कब निकलेगी, जब वोल्टेज आएगी, तो एनर्जी उस वक्त आएगी इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डब्ल्यू सी जीरो 1/2 C V0 क्या, तो इनिशियल वोल्टेज आएगी कि तब पता चलेगी। तो इनिशियल वोल्टेज का यहां पर मतलब क्या है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। स्विच हैज बीन क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्लोज था, ये देख लें यहां पे क्लोज था, हम क्लोज रहने देंगे, सर्किट को दोबारा बनाएंगे और क्लोज रहने देंगे, ये देख लें आप 7.9A में देखेंगे, सर्किट हमने दोबारा बनाया, क्लोज था, स्विच क्लोज रहने दिया, यहां पे देख लें इधर क्लोज था, क्लोज रहने दिया, नहीं छेड़छाड़ की, टी लेस देन जीरो पे ऐसे ही रहा, ठीक है, ये बात तो समझ गए ये सर्किट को। आगे क्या था, वन था, 8 ओम का, सॉरी 1 ओम का रेजिस्टर है, वो वैसे का वैसे ही आ गया। आगे क्या था, ये देख लें कैपेसिटर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, कैपेसिटर, और यहां पर क्या है, डीसी वोल्ट, लॉन्ग टाइम है, फॉर अ लॉन्ग टाइम है, डीसी कंडीशंस में लॉन्ग टाइम आ गया है, तो डीसी कंडीशंस में लॉन्ग टाइम में जब भी कैपेसिटर आएगा, डीसी कंडीशंस में लॉन्ग टाइम में जब भी इंडक्टर आएगा, या कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 20 मिली ओम की साइड को ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर जो वोल्टेज एग्जिस्ट करेगी किसके क्रॉस, इन दो टर्मिनल्स पे जो आप 7.9A में देख रही है, यहाँ पर वोल्टेज जो होगी दैट इज द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर VC0, इंडक्टर होता तो शॉर्ट हो जाता। तो आपके पास क्या बचा जी, 3 ओम का रजिस्टर, 9 ओम का रजिस्टर, 1 ओम सोर्स वोल्टेज, तो अब थेवनन बन सकता है ना, यहाँ पे थेवनन की पूरी शक्ल बनी हुई है, बकाया ओपनिंग टर्मिनल्स, फाइंड VTH, ठीक है जी, एंड फाइंड RTH, और इक्विवेलेंट के लिए थेवनन निकालते थे हम लोग, आपको याद होगा, ठीक है जी। अच्छा अब हमने क्या करना है, ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। फॉर टी लेस देन जीरो स्विच इज क्लोज, द कैपेसिटर इज ओपन टू डीसी, इज रिप्रेजेंटेड 7.9A यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल कहाँ पे लगता है, जब सीरीज सर्किट हो, ठीक है जी, और जिसके क्रॉस में वोल्टेज निकालनी हो। अब वही कॉन्सेप्ट जो मैंने पीछे बताया था, यहाँ पे भी रिपीट कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे वोल्टेज क्या, यहाँ पे क्या है, ओपन है, ओपन में 1 ओम रेजिस्टर लिखो या ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा दिया आपने, फर्क कर दिया, क्योंकि डज नॉट मेक सेंस, ओपन सर्किट है, रेजिस्टर यहाँ पे लिखने की कोई तुक नहीं बनती, तो VC0 वैसे का वैसे ही होगा। तो VC0 किधर आ रहा है, जरा गौर से देखें, 9 ओम के अक्रॉस आ रही है वोल्टेज, इसका मतलब है 9 ओम की वोल्टेज अगर निकाल लूँ मैं, तो वही VC0 है, तो कैसे निकलेगी, ये सिंपल सीरीज सर्किट बच गया पीछे, सिंपल सीरीज सर्किट बन गया, तो वोल्टेज डिवाइडर लूँ तो 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3 × 20 आ जाएगा, देख लें 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3 × 20 15 वोल्ट, इसका मतलब है ये हमारे पास VC0 आई है, लेस देन जीरो पे हमारे पास वोल्टेज आई है 15 वोल्ट, लेस देन जीरो, पहले वोल्टेज 15 वोल्ट थी, एक बात क्लियर हो गई हमारे पास। दूसरी बात क्या समझनी है, ये तो टी लेस देन जीरो पे होगी एनालिसिस, टी लेस देन जीरो पे एनालिसिस हुई और हमें इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर की पता चल गई। अब हमने क्या करना है, टी इज इक्वल टू जीरो पे देखना है। तो हमने जब या कैपेसिटर की एक एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी टी इज इक्वल टू जीरो वाली, कि कैपेसिटर रेजिस्ट अ चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस इट एब्रप्टली, ये एकदम कैपेसिटर की वोल्टेज चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है। जब इंस्टेंट स्विचिंग करो, टी इज इक्वल टू जीरो पे ओपन था तो क्लोज कर लिया, क्लोज था तो एकदम ओपन कर लिया, जस्ट किया तो जस्ट पे सेकंड्स लगते हैं, मिली सेकंड्स लगते हैं, पीको सेकंड्स लगेंगे, माइक्रो सेकंड लगेंगे, उस पे कैपेसिटर की वोल्टेज क्या हुई, तो पहले कितनी थी 15 वोल्ट, किसकी, कैपेसिटर की, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो चेंज होने नहीं देता एकदम, तो जब एकदम चेंज होने नहीं देता तो उसका मतलब है वोल्टेज तो वही रहेगी, किस पे,
टी इज इक्वल टू जीरो पे, चेंज होने नहीं दिया था कि नहीं दिया था तो वोल्टेज सेम होगी, इसका मतलब है वीसी टी लेस देन पे था, वीसी जीरो टी इज इक्वल टू जीरो पे जस्ट हुआ और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है वो चेंज होने नहीं दिया था, तो इसका मतलब है उसी की वोल्टेज सेम रहेगी टी इज इक्वल टू जीरो पे भी 15 वोल्ट। ठीक हो गया, टी इज इक्वल टू जीरो माइनस का मतलब यह है कि लेस देन जीरो, लेस देन जीरो को टी इज इक्वल जीरो माइनस लिखते हैं, टी इज इक्वल जीरो पे जस्ट हुआ, टी इज ग्रेटर देन जीरो को टी ग्रेटर देन जीरो को लिखते हैं टी इज इक्वल टू जीरो प्लस, तो ये भी लिख सकते हैं प्लस से भी लिखे, तो मैं आपको प्लस का मतलब हुआ बाद में फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, टी इज इक्वल टू जीरो पे जस्ट हुआ और टी लेस देन जीरो पे टी इज इक्वल टू जीरो माइनस के पहले क्या था स्विच का बिहेवियर। तो दोस्त दो बिहेवियर आपने निकाल लिया ना, ठीक हो गया। अब तीसरा बिहेवियर है कौन सा, तीसरा बिहेवियर है हमारे पास टी ग्रेटर देन जीरो फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, अभी अभी यहां पे फिर दोबारा रिव्यू करते हैं, इसका मतलब है क्लोज था तो टी इक्वल जीरो पे ओपन हुआ, क्लोज था पहले, क्लोज था लेस देन जीरो पे, फिर एकदम टी इक्वल जीरो पे ये स्विच ओपन हुआ, फिर ओपन ही रहा टी ग्रेटर देन जीरो पे, ओपन टी इक्वल टू जीरो पे जो बिहेवियर था वो आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, सो टी ग्रेटर देन जीरो पे टी इक्वल जीरो पे ओपन हुआ, टी ग्रेटर देन जीरो पे ओपन रहा ओपन रहा ओपन रहा, जब ओपन रहा तो ये देख लेंगे स्विच ओपन हो गया तो पीछे 20 वोल्ट का सेंस ही नहीं बनता, 3 ओम का सेंस ही नहीं बनता, ओपन सर्किट हो गया, तो ओपन सर्किट में क्या बचा, एक 9 ओम का रेजिस्टर, 1 ओम का और ये वोल्टेज सोर्स, ये देख लें आप 9 ओम 1 ओम और ये वोल्टेज सोर्स, और अगर 9 और 1 को प्लस कर दूं तो एक आर बन जाएगा आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट 10 हो जाएगा, ये देख लें तो आर सी बन गया 10 ओम और सी साथ, तो आर सी, अब आर सी की एनालिसिस करें, टॉ निकालें, टॉ इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट सी, ये निकाल लिया, वी डी इज इक्वल टू वी नॉट, इनिशियली क्या निकाल लिया 15 ऊपर निकाल लिया है, ई रेज़ टू माइनस टी बाय टॉप आउट करके आंसर निकाल लें, ये वी टी आपके पास आ जाएगा। एनर्जी डब्ल्यू सी जीरो 1/2 सी वी सी स्क्वायर, तो वी सी जीरो आप ऊपर निकाल चुके हैं 15 पुट करके आंसर आप निकाल लेंगे, इस तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.2 करेंगे, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और फिर आपने जाके जो है वो एक्सरसाइज में सोर्स फ्री की सारी एनालिसिस करनी है आरसी की, तब आपको कमांड होगी, अदरवाइज जवानी कलामी लेक्चर से आपको को ये क्वेश्चंस एनालाइज नहीं होंगे।